अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, YouTube पर कमाई का अधिकार हटने के ताल्लुक से आज कुछ जरूरी बातें आपको बताती हूँ जो मैंने YouTube वेबसाइट पर पढ़ी थी। दरअसल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के YouTube कमाई का अधिकार YouTube पॉलिसी द्वारा हटा दिया गया, जिसकी वजह से वो मायूस नजर आई। जिस किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो उन सभी के लिए इस वीडियो के जरिए मेरा एक मैसेज है कि दुनिया के नुकसान पर इंसान जब अफसोस और गमनाक होता है, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो अपना नुकसान समझ बैठता है, हालांकि ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें हर हाल में आजमाता है जिससे कि हम और ज्यादा मजबूत बने, चाहे वो दुनियावी मामला हो या दीनी मामले में हो। लिहाजा ऐसी चीजों को अल्लाह की आजमाई समझते हुए अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमें सबसे बेहतर गाइड करने वाला है। अगर हम इस बात को ज्यादा सोचते हुए फिक्र करें तो शैतान हावी होता है और वहाँ हमें कुफ्र की ओर ले जाता है, जिसका अल्लाह ने मायूसी के नाम से जिक्र किया है। बेशक अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि उनको ये यकीन है अल्लाह उसके बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो संभाल सके। लिहाजा फ्रेंड्स, किसी भी चीज का नुकसान होने पर गम न करें, सब्र करते हुए हर हाल में अल्लाह ही का शुक्र अदा करें। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को मुसीबत आ पहुंचती है और वो उस पर सब्र कर लेता है तो अल्लाह सुबहानो ताला उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। इस हदीस से हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला छोटी तकलीफ के जरिए बड़ी तकलीफों को टाल देता है। लिहाजा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे। तो चलिए जानते हैं ये जरूरी बातें। YouTube पर कमाई करने के लिए इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। नंबर एक, कम से कम आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। नंबर दो, पिछले 12 महीनों में आपके चैनल पर कम से कम 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। नंबर तीन, आपके पास एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। नंबर चार, आपको उस जगह से होना चाहिए जहाँ पर YPP उपलब्ध हो। क्या आप जानते हैं YouTube आपके चैनल से कमाई का अधिकार कब हटा सकता है? नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या कम हो जाती है या वॉच टाइम कम हो जाता है तो YouTube अपने आप आपके चैनल से कमाई का अधिकार नहीं हटा देता। हालांकि अगर आपका चैनल 6 महीने या उससे ज्यादा समय से निष्क्रिय है और आप उस पर कोई वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट अपलोड नहीं कर रहे तो YouTube आपके विवेक से आपके चैनल से कमाई का अधिकार हटा सकता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आपके YouTube चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने पर भी YouTube आपका कमाई का अधिकार हटा सकता है, और कुछ इस तरह के कारणों की वजह से भी YouTube आपका कमाई का अधिकार हटा सकता है, जैसे कि हिंसक या खतरनाक सामग्री, नफरत फैलाने वाली भाषा, हिंसक व्यवहार, ग्राफिक हिंसा, दुर्भावनापूर्ण हमले और हानिकारक या खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली सामग्री YouTube पर अपलोड करने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से आपका चैनल भी बैन किया जा सकता है। लिहाजा इन बातों का ध्यान रखते हुए YouTube चैनल को सुरक्षित रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल के साथ दीने इस्लाम पर सही सलामत रखे। आमीन। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम।